हाय गाइस, वेलकम इन आवर चैनल। माई सेल्फ इज मंजीत यादव। तो इस वीडियो में आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अप्लाइड मैकेनिक्स। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैकेनिक्स क्या होता है। पहले मैकेनिक्स को समझेंगे, उसके बाद अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है उस पर बात करेंगे। मैकेनिक्स क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी बॉडी पर किसी फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या उसका बिहेवियर है, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसे मैकेनिक्स कहते हैं। क्या बोला मैंने आपसे कि मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई वस्तु है, कोई पिंड है, उस पर किसी भी बल का क्या प्रभाव पड़ता है और क्या उसका बिहेवियर है, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसे मैकेनिक्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं इसके डेफिनेशन को, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन रिजिड बॉडी इज कॉल्ड मैकेनिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, यह साइंस की वह शाखा है। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन रिजिड बॉडी। इट्स कॉल्ड मैकेनिक्स। आप समझ गए होंगे मैकेनिक्स क्या है। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु पर बलों के प्रभाव और उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि उस बॉडी पर उस फोर्स का क्या इफेक्ट है, क्या उसका बिहेवियर है, उसके बारे में जो स्टडी हम करते हैं उसे क्या कहते हैं, मैकेनिक्स। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु पर बलों के प्रभाव व या केवल प्रभाव कह सकते हैं, वस्तु पर बलों के प्रभाव व बिहेवियर या वह व्यवहार, तो केवल प्रभाव भी कह सकते हैं, वस्तु पर बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी कहलाता है। बात समझ में आई? ठीक है। सपोज दैट ये एक आपका कोई बॉडी है, ठीक है, इस पर कोई फोर्स लगा, मान लीजिए कोई इसका फोर्स, इस पर फोर्स लगा। अब ये जो फोर्स लगा हुआ है इस बॉडी पर, तो इस फोर्स के लगने से इस बॉडी में कुछ न कुछ इफेक्ट होगा, इस फोर्स का इस बॉडी पर कुछ न कुछ इफेक्ट होगा। तो ये जो इफेक्ट है इसके होने से क्या है, और इसका कुछ न कुछ इस पर बिहेवियर भी होगा। तो इस बॉडी पर इस फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या उसका बिहेवियर है, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, मैकेनिक्स। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, यह साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम किसी बॉडी पर फोर्स के इफेक्ट का स्टडी करते हैं उसे कहते हैं मैकेनिक्स। ये दो प्रकार की होती है, एक होता है स्टैटिक्स और दूसरा होता है डायनामिक्स। ये दो टाइप की होती है, एक होता है स्टैटिक्स और दूसरा होता है डायनामिक्स। अगर देखा जाए तो मैकेनिक्स कितने प्रकार की होती है, टू टाइप्स की होती है, एक होता है आपका स्टैटिक्स एंड सेकेंड डायनामिक्स।
एक होता है स्टैटिक्स, दूसरा होता है डायनामिक्स। डायनामिक्स भी दो टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है? एक होता है काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है काइनेटिक्स। ये दो प्रकार की होती है, ठीक है। अब इनके डेफिनेशन को समझते हैं कि स्टैटिक्स क्या होता है, डायनामिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या होता है और काइनेटिक्स क्या होता है, इसको वन बाय वन समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स देखिए, मैकेनिक्स का डेफिनेशन तो सीधा आपको समझ में आ गया है कि इसमें क्या होता है कि किसी भी बॉडी पर उसके फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में स्टडी करते हैं, ये आपका मैकेनिक्स हो गया। तो डायनामिक्स और स्टैटिक्स ये दोनों में लगभग डेफिनेशन तो वही रहेगा क्योंकि उसी का टाइप होता है। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स को हिंदी में बोलते हैं स्थिति विज्ञान, स्थिति विज्ञान। जैसा कि हमें नाम से पता चलता है स्थिति विज्ञान, स्थित का मतलब क्या होता है? रेस्ट पोजीशन। क्या होता है? रेस्ट पोजीशन। तो स्टैटिक्स क्या होता है? इसके अंतर्गत हम उस वस्तु पर बलों के इफेक्ट का स्टडी करते हैं जो बॉडी रेस्ट पोजीशन में होता है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? स्टैटिक्स। देखिए, किसी भी बॉडी पर फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है वो तो हो गया मैकेनिक्स आपका, ठीक है। अगर वो बॉडी रेस्ट पोजीशन में कर दिया जाए तो उसे कहेंगे स्टैटिक्स, और उस बॉडी को अगर मूविंग पोजीशन में कर दिया जाए, मोशन पोजीशन में कर दिया जाए तो उसे कहेंगे डायनामिक्स, ठीक है। तो स्टैटिक्स का डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि डील्स विथ द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, क्या कह सकते हैं? डील्स विथ द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस इन रेस्ट पोजीशन, या कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन रिजिड बॉडी एट रेस्ट पोजीशन। एट रेस्ट पोजीशन, क्या हो जाएगा? स्टैटिक्स। फिर से समझिए, इसके अंतर्गत हम वस्तु पर बलों के, उस वस्तु के बलों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं जो वस्तु कैसा हो? रेस्ट पोजीशन में होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई बॉडी है, एक स्थान पर रखी हुई है, एक स्थान पर रखी हुई है, मोशन नहीं कर रहा है, वो रेस्ट पोजीशन में है। उस समय अगर कोई फोर्स उस पर लग रहा है तो उस फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है उस बॉडी पर, उसके बारे में हम जो स्टडी करेंगे वो क्या कहलाएगा? स्टैटिक्स, ठीक है। डायनामिक्स क्या होता है? सेम डेफिनेशन, बस क्या हो जाएगा यहां पर? मूविंग पोजीशन हो जाएगा आपका, ऑन मूविंग बॉडीज हो जाएगा बस। तो कह सकते हैं कि डील्स विथ द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन मूविंग बॉडीज। ठीक है, इसको मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं। इसके अंतर्गत उस वस्तु पर बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है जो विरामावस्था में हो, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा? इसके अंतर्गत
उस वस्तु का उस वस्तु पर बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है जो गति की अवस्था में हो। गति की अवस्था में हो उसे क्या कहेंगे? डायनामिक्स। डायनामिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? गतिकी विज्ञान। गतिकीय विज्ञान डायनामिक्स को क्या बोलते हैं? गति विज्ञान। तो समझ में आ गया आपको, मैं फिर से रिपीट करूंगा। स्टैटिक्स क्या होता है कि उस वस्तु पर बलों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, यानी कोई भी बॉडी रेस्ट पोजीशन में रख दिया जाए, अगर वह बॉडी रेस्ट पोजीशन में है और उस टाइम किसी भी फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्टैटिक्स यानी स्थिति विज्ञान। अगर उसी बॉडी को एक मोशन पोजीशन में ला दीजिए आप, ठीक है, मान लीजिए कोई बॉडी मोशन कर रहा है, उस पर कोई फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं? डायनामिक्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गतिकी विज्ञान। ठीक है, अब यह डायनामिक्स दो टाइप का होता है, एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है काइनेटिक्स। इसको समझते हैं, मतलब एक चीज तो फिक्स है मैकेनिक्स के डेफिनेशन में ही कि मैकेनिक्स क्या होता है कि इस पर हम किसी बॉडी पर जब कोई फोर्स लगा है तो उस फोर्स का क्या इफेक्ट होता है उसका स्टडी करते हैं। तो एक चीज तो आपका फिक्स हो गया मैकेनिक्स के डेफिनेशन में ही कि यहां पर हम जो भी आपको डेफिनेशन बताएंगे उसमें यही शब्द इंक्लूड सब में रहेगा कि किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लगा है उसके इफेक्ट का स्टडी करना ही क्या कहलाता है? मैकेनिक्स। तो ये सब कुछ तो सब में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात स्टैटिक्स की आती है, तो स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? स्थिति, यानी क्या है? बॉडी जब रेस्ट पोजीशन में होता है, जब बॉडी कैसा हो, रेस्ट पोजीशन में हो और उस टाइम उस बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है तो उसका क्या इफेक्ट है उसके बारे में जो स्टडी करेंगे उसे क्या बोलेंगे? स्टैटिक्स बोलेंगे। डायनामिक्स में क्या हो जाएगा कि डायनामिक्स का हिंदी क्या होता है? गतिकी विज्ञान। गतिकी का मतलब क्या होता है? मोशन करना। तो जब कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो उस समय अगर कोई फोर्स उस बॉडी पे लग रहा है तो उस फोर्स का क्या इफेक्ट है उसके बारे में जो स्टडी करेंगे उसे क्या बोलेंगे? डायनामिक्स। ठीक है, तो डायनामिक्स में एक चीज़ तो फिक्स हो गया कि यहाँ पर जो बॉडी है वो मूविंग पोजिशन में रहेगा, यानी कि एक रेस्ट पोजिशन में नहीं रहेगा, विरामावस्था में नहीं रहेगा, बल्कि कैसा रहेगा? वो मूव करता रहेगा। ठीक है, अब इनके जो दो टाइप्स है ना, वो दोनों टाइप में ये डेफिनेशन तो लगा ही रहेगा कि उस वस्तु का हम अध्ययन करते हैं जो कैसा हो, मोशन पोजीशन में हो, मोशन पोजीशन में रहता है, ये तो लगा ही रहेगा। और आगे देखते हैं जो भी, तो पहला मैंने क्या बताया, यह दो टाइप की होती है, यह दो प्रकार की होती है। कौन दो प्रकार का होता है? डायनामिक्स यानी गतिकी विज्ञान, पहला काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स इसको बोलते हैं, इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है बल गतिकी विज्ञान। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है? बल गतिकी विज्ञान, काइनेमेटिक्स। गतिकी शब्द तो आपका लगा हुआ है, यानी डायनामिक्स तो लगा हुआ है, बल, बल का मतलब क्या होता है? फोर्स। ठीक है, तो ये क्या होता है काइनेमेटिक्स अगर देखा जाए तो क्या होता है? व्हेन वी स्टडी द मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट एनी रिफरेंस टू द फोर्स। ठीक है, तो इसको हिंदी में जो है बल गतिकी नहीं, शुद्ध गतिकी, सॉरी, इसको शुद्ध गतिकी भी बोलते हैं, बल गतिकी विज्ञान नहीं, ये शुद्ध गतिकी होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है?
जब कोई बॉडी मोशन कर रहा है, जब कोई बॉडी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उस मोशन करती हुई बॉडी के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स। यहाँ पर जो फोर्स लगा हुआ है ना, बिन देखिए बिना किसी न किसी फोर्स के वजह से तो मोशन करेगा ही करेगा, बट यहाँ पर हम फोर्स की चर्चा ही नहीं करते हैं, फोर्स की हम चर्चा यहाँ पर नहीं करते हैं। इसमें क्या है कि हम केवल जो बॉडी मोशन कर रहा है उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वी स्टडी द मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट एनी रिफरेंस टू द फोर्स इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। वेन वी स्टडी वेन वी स्टडी द मोशन ऑफ बॉडी द मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट एनी रिफरेंस टू द फोर्स, विदाउट एनी रिफरेंस टू द फोर्स इट्स कॉल्ड काइनेमेटिक्स। ठीक है, इसमें क्या है कि हम उस गति करते हुए बॉडी यानी गति करती हुई वस्तु का अध्ययन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि केवल जो बॉडी आपका क्या कर रहा है, गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, केवल उसके बारे में ही स्टडी करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। दूसरा आपका होता है काइनेटिक्स, इसको बोलते हैं बल गतिकी विज्ञान। अब इसमें देखो बल शब्द लग गया है ना, तो बल का मतलब क्या है कि सेम डेफिनेशन है, इसमें फोर्स को क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे, यानी फोर्स को भी इसमें क्या करते हैं, इसमें कंसीडर करते हैं, उस पर भी इस पर डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। तो हम कह सकते हैं व्हेन वी स्टडी द मोशन ऑफ बॉडीज विथ, या कह सकते हैं अलोंग विथ रिफरेंस, अलोंग विथ, अलोंग विथ रिफरेंस फोर्स इज कॉल्ड काइनेटिक्स। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि जब कोई बॉडी मोशन कर रहा है, ठीक है, तो मोशन करती हुई बॉडी यानी गति करती हुई वस्तु या पिंड के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, और जो उस पे बल लगा हुआ है उस बल के बारे में भी हम स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाता है, काइनेटिक्स। बात समझ आई। अब मैकेनिक्स के कुछ और भी अदर ब्रांच हैं, उनको देख लेते हैं। अदर ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स, अदर ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स, कुछ इसके अन्य शाखाएं भी हैं मैकेनिक्स के, अदर ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। यांत्रिकी के कुछ अन्य शाखाएं, अदर ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, तो इसके अन्य शाखाएं कौन कौन से हैं,
एक होता है आपका हाइड्रोस्टैटिक्स, क्या होता है हाइड्रोस्टैटिक्स, दूसरा होता है हाइड्रोडायनामिक्स, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव स्थिति विज्ञान। इनके नाम याद रख लीजिए आप लोग, इसका एक एक लाइन का डेफिनेशन है उसे भी मैं बता दूंगा। हाइड्रोडायनामिक्स को बोलते हैं द्रव गतिकी विज्ञान, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक्स हो गया, एक हो गया हाइड्रोडायनामिक्स, गैस डायनामिक्स, इसको बोलते हैं गैस गतिकी विज्ञान। एरोडायनामिक्स वायु गतिकी विज्ञान, थर्मोडायनामिक्स ऊष्मा गतिकी विज्ञान, और एक आपका होता है अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स। अनुप्रयुक्त यांत्रिकी, जो आपके सब्जेक्ट का नाम है ना वो यही है अप्लाइड मैकेनिक्स। तो यहाँ पर जो अदर ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स है ये कितने टाइप का मैंने आपको बताया, 6 टाइप का होता है। कुछ इसके अदर ब्रांचेस हैं, इसमें क्या क्या है आपका, एक है हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनामिक्स, गैस डायनामिक्स, एरोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स। क्या होता है, इनके नाम से ही हम डेफिनेशन बना देंगे आपको। द्रव स्थिति विज्ञान, इसमें क्या होता है, द्रव स्थिति विज्ञान डील्स विथ द स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन लिक्विड एट रेस्ट पोजिशन, इट्स कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक्स। इसके अंतर्गत हम किसी भी द्रव पर, किसी भी द्रव पर जो कि वह कैसा हो, रेस्ट पोजिशन में हो और उस समय कोई फोर्स लग रहा है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है या उसके बारे में जो भी हम स्टडी करते हैं वो क्या कहलाता है, द्रव स्थिति विज्ञान। फिर से मैं कहूंगा, डील्स विथ द स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन लिक्विड एट रेस्ट, विरामावस्था में किसी द्रव पर बलों के बल का क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं, द्रव स्थिति विज्ञान। द्रव गतिकी विज्ञान क्या होता है, हाइड्रोडायनामिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन लिक्विड इन मोशन, जहां पर आपने रेस्ट शब्द यूज किया था वहां पर क्या हो जाएगा, मोशन, कि जब कोई लिक्विड मोशन पोजीशन में हो और उस समय कोई फोर्स लग रहा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोडायनामिक्स, ठीक है। अगला है आपका गैस डायनामिक्स, गैस डायनामिक्स क्या होता है, डील्स विथ द स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन गैस इन मोशन। मोशन शब्द क्यों लगाएंगे अब, क्योंकि देखिए सब में डायनामिक्स लगा हुआ है, तो डायनामिक्स का मतलब क्या होता है कि वो बॉडी कैसा है, मोशन पोजीशन में है, तो डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन गैस इन मोशन। इसमें क्या करते हैं, हम
उस गैस पर, किसी भी गैस पर जो कि मोशन पोजीशन में रहता है, गतिकी अवस्था में रहता है, और उस पर कोई फोर्स लगा हो और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं? गैस गतिकी विज्ञान। या कह सकते हैं कि जब कोई गैस गति कर रहा हो और उस समय कोई बल लगा हुआ हो तो उस बल का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं? गैस डायनामिक्स। ठीक है, अगला आपका एरोडायनामिक्स। एरोडायनामिक्स क्या होता है? डील्स विथ द स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन एयर इन मोशन। जब कोई हवा, जब कोई वायु मोशन में हो और उस समय कोई फोर्स लगा हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उस समय जो स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं? एरोडायनामिक्स। अगला है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट। इसमें हीट के बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी। डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑफ हीट एंड डेवलप्ड। अगर मान लीजिए इसमें क्या होता है कि जब कोई हीट होता है, हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है, हीट के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, ठीक है, उससे क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक्स। एंड लास्ट है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स जिस सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है, हमें केवल इसी सब्जेक्ट को पढ़ना है। अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है? यह मैकेनिक्स की वह ब्रांच है, या कह सकते हैं डील्स विथ द स्टडी ऑफ मशीन टूल्स, मशीन मैकेनिज्म, मशीन स्ट्रक्चर्स एंड मोशन ऑफ मशीन मेंबर्स इज कॉल्ड अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक है, यहां पर हम किसका अध्ययन करते हैं? कोई भी मशीन हो गया, मशीन टूल्स हो गया, ठीक है, या कोई मशीन मैकेनिज्म हो गया, यानी मशीन का जो यंत्र विन्यास होता है, या कोई मशीन स्ट्रक्चर हो गया, मशीन का कोई ढांचा हो गया, कोई संरचना हो गया, या एंड मोशन ऑफ मशीन मेंबर, या कोई मशीन मेंबर मोशन कर रहा है, तो उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं? अप्लाइड मैकेनिक्स। इट इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। यह इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच होता है। ठीक है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑफ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, डील्स विथ द स्टडी ऑफ मशीन टूल्स, मशीन मैकेनिज्म, मशीन स्ट्रक्चर्स एंड मोशन ऑफ मशीन मेंबर्स इज कॉल्ड अप्लाइड मैकेनिक्स। मैंने क्या क्या बोला? कोई भी मशीन है, कोई भी मशीन है, डील्स विथ द स्टडी ऑफ मशीन टूल्स। मशीन टूल्स कोई मशीन का उपकरण है, कोई भी मशीन का क्या है? उपकरण है। मशीन टूल्स, मशीन मैकेनिज्म, मशीन स्ट्रक्चर एंड मोशन ऑफ मशीन मेंबर। मोशन ऑफ मशीन मेंबर इज कॉल्ड अप्लाइड मैकेनिक्स। इट इज एन इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या होता है, किसी भी मशीन के टूल्स या मशीन के यंत्र विन्यास या मशीन के ढांचा या स्ट्रक्चर या कोई पुर्जा हो
या मशीन मेंबर का कोई मोशन करता हुआ पार्ट, उसका पार्ट हो, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं? अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज मैंने पढ़ा मैकेनिक्स क्या होता है, ये दो टाइप की होती है, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, जिसमें डायनामिक्स दो टाइप का होता है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स एंड अदर कुछ सम अदर ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा, जैसे हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनामिक्स, एरोडायनामिक्स, गैस डायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ, यानी इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, इसमें अगला टॉपिक कवर करेंगे।